नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 का गणित का 5वां पाठ भिन्न, जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, उसको हम लोग आज सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है भिन्न बराबर पूरे भाग का एक अंश बटा पूरा भाग। जैसे रोटी है, ये रोटी है, इसको हम लोग दो भाग में बांट दिए, तो पूरा भाग हो गया ये एक और एक दो हो गया पूरा भाग, और पूरे भाग का एक अंश ये वाला हो गया एक अंश, इसको हम लोग बोलेंगे एक बटा दो। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं पूरे भाग का एक अंश को अंश बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, और हर डिनोमिनेटर, हर का इंग्लिश होता है डिनोमिनेटर, मतलब जो भिन्न में जो नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर, ऊपर वाले भाग को न्यूमरेटर। अब हम लोग प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करके देखते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन, छायांकित भाग को निरूपित करने वाले भिन्न को लिखिए। तो यहाँ पर ये पहला फिगर हम बनाए हुए हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे टोटल भाग कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कुल भाग बराबर या पूरा भाग बराबर, पूरा भाग बराबर 9। अब छायांकित भाग लिखते हैं, छायांकित भाग बराबर गिनिएगा 1, 2, 3 और 1, 4। तो भिन्न कितना हो गया, कहता है पूरे भाग का एक अंश, तो छायांकित भाग मतलब ये पूरे भाग का अंश है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 4/9, पूरा भाग नीचे और छायांकित भाग को ऊपर, तो भिन्न बराबर 4/9। ये जो लिखा हुआ है पूरे भाग का एक अंश, यही है मेरा छायांकित भाग। यहाँ दूसरा क्वेश्चन कहता है छायांकित चित्रों के लिए भिन्न लिखिए। तो भिन्न लिखना है तो हम लोग पहले लिखेंगे छायांकित, पहले कुल भाग, चार चार आठ चार 12, और छायांकित या अंशांकित भाग जो लिखिए, छायांकित भाग बराबर 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो भिन्न कितना हो गया, कुल को नीचे लिखते हैं और जो छायांकित भाग है ऊपर लिखते हैं, 8/12। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित भिन्नों की आकृति बनाकर छायांकित कीजिए। तो जैसे ये 2/3 लिखा हुआ है, तो हम लोग को इसको माने फिगर बना करके दिखाना है। जैसे मान लीजिए कि हम यदि इसको ऐसे कर लेते हैं, पहला वाला को बनाते हैं, ये मेरा हो गया 2/3 लिखा हुआ है, हम इसको तीन भाग में बांटेंगे, ये हो गया तीन भाग, तो नीचे वाला हो गया 1, 2, 3, छायांकित कितना करना है दो भाग को, ये हो गया हमारा दो भाग हो गया, हम लोग इसको लिखेंगे 2/3, या हम लोग इसको 2/3 को हम लोग ऐसे छायांकित कर देंगे। एक और करके देखते हैं, हम लोग तीसरा को करते हैं 6/8। तो हम लोग पहले 8 भाग पहले बना देंगे, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा वर्ग है, हम लोग कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एक दो तीन चार, यदि इसको हम लोग ऐसे कर दें, अब गिनिए तो टोटल भाग कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गया। ऊपर वाला बोलता है 6, तो मतलब 6 भाग को हमको छायांकित कर देना है। ऐसे ऐसे रंग देते हैं हम लोग इसको, 1, 2, 4 हो गया,
पांच छे, ये हो गया छह बटा आठ भाग को दिखा रहा है, ये दो बटा तीन भाग को दिखा रहा है, ये छह बटा आठ को। दूसरा वाला आप अपने खुद कीजिएगा, तीन दिन एक सप्ताह का कौन सा भिन्न है, तो सप्ताह में कुल दिन कितने होते हैं, सप्ताह में कुल दिन बराबर सात दिन होता है, तो लिखिए सात, और बोलता है तीन दिन एक सप्ताह का कौन सा भिन्न है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे भिन्न बराबर तीन को ऊपर लिख देंगे हम लोग तीन और ये बटा सात। कहने का मतलब है कि कुल हो गया ये सात और उसमें दिनों की जो दिया है कि तीन दिन, तो तीन दिन एक सप्ताह का कौन सा भिन्न होगा, तो तीन बटा सात। क्वेश्चन नंबर पांच कहता है सात महीना एक वर्ष का कौन सा भिन्न है, तो हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि एक वर्ष बराबर बारह महीना, यह हम लोग को पता है, तो अभीष्ट भिन्न लिखेंगे हम लोग, इसलिए अभीष्ट भिन्न बराबर हम लोग यहां लिखेंगे जो कुल महीना है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, सात महीना बटा एक वर्ष बराबर सात महीना बटा बारह महीना बराबर सात बटा बारह, ये हो गया हम लोग का अभीष्ट भिन्न। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, यदि समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।